जो ये एमिरेट डिजिटल वॉलेट है इसको 15 प्राइमरी बैंक मिडिल ईस्ट, ठीक है, जिनके 13 मिलियन प्लस कस्टमर है जिनके पास में। तो वैनर को मेन स्ट्रीम स्पीड और सिक्योरिटी और इफिशियंसी के लिए ये लोग अडॉप्ट करेंगे ऐसा ईडब्ल्यूडी। तो ईडब्ल्यूडी विल बी अडॉप्ट वैनर फॉर मेन स्ट्रीम स्पीड सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि वैनर जो है वो गूगल क्लाउड के साथ काम करेगा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, बिलियंस ऑफ कस्टमर के लिए ग्रो। अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छा पैसा इसमें बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें बात करने से पहले मैं आप लोगों को सबको बताई दूंगा कि बिटकॉइन $40,000 को क्रॉस कर गया। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था $40,000 जाएगा इसी महीने, और देखिए मैंने महीने का बोला था लेकिन उम्मीद थी मुझे कि इस महीने जाएगा, लेकिन ये 4 तारीख को ही दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, एक और बुलिशनेस का साइन है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे टोकन फाई का भी वीडियो बताया था और आप देख सकते हो टोकन फाई का प्राइस भी बढ़ चुका है, जो मैंने आपको रेट बताया था इसमें, और इससे ऊपर काफी हो चुका है, 20-25% ऊपर ही जा रहा है ये। तो दोस्तों तो काफी बढ़ चुका है, जैसे कि वो डबल होके वापस नीचे आया था और अभी वापस जिस लेवल पे मैंने बताया था 6 दिन पहले वीडियो दिया था, यहाँ से 25% ऊपर ही है प्राइस। तो गाइस आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो कम प्राइस पे, एक्यूमुलेट करो। इस वीडियो को जरूर देखना, मैंने जो टोकन फाई का बताया इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी टोकन फाई क्या है, ठीक है ना। काफी इसमें मैंने कोशिश की है डिटेल देने की आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको वो कॉइन के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों। उसका नाम है वैनर चेन वैनरी। तो ये जो है दोस्तों बेसिकली ये इसका पहले जो नाम था वो टीवी के था, और टीवी के कॉइन जो है वो काफी टाइम से था यहाँ पे मार्केट में, लेकिन अभी अभी इसकी रीब्रांडिंग हुई है और रीब्रांड होके ये वैनर चेन बनाया, यानी कि वैनरी टोकन बनाया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसकी रीब्रांडिंग हुई है और इसके पीछे जो है वर्चुआ और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये टीवी के से वैनरी बना, 1:1 का स्वैप रेशियो था और 1:1 का इसमें कन्वर्ट हुआ टोकन। तो मैंने भी इस रीब्रांडिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैं पहले से टीवी के कॉइन लेके रखा था होल्ड करके बाइनेंस के अंदर, और बाइनेंस से मेरे को मिल गया वैनरी, ठीक है, 1:1 का मिल गया। अभी कई एक्सचेंजेस में मिला है, कई में नहीं मिला है, तो वो उनको मिल जाएगा बड़े एक्सचेंज में, जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसमें मिल जाएंगे 1:1 का उन लोगों का होगा तो, अगर उनका क्राइटेरिया हो रहा होगा तो उसमें मिल जाएंगे। लगभग बाइनेंस में तो सबको मिल गए और मुझे भी मिल गया, और ये सब इस कॉइन में है। और ये जो कॉइन है, मैं पहले सबसे पहले बता दूं, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर एक्सचेंज भी बताया करो, तो एक्सचेंज में बताता हूँ लेकिन कई वीडियो में नहीं बता पाता, तो मैं पहले आपको एक्सचेंज बता देता हूँ। तो ये बाइनेंस में लिस्टेड है, कॉइन एक्सचेंज में है, यूनिस्वैप V2 में, यानी इथेरियम से आप बाय कर सकते हैं इसको, क्रैकन में, बायबिट में, कॉइनवन में, टोको क्रिप्टो, ठीक है, ये सब बड़े बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट है, तो आप देख सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों इस कॉइन के बारे में बोल रहा हूं। देखिए गाइस, इस कॉइन के बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको 100% तो श्योर नहीं हूं, लेकिन इस कॉइन में क्या है बेसिकली कि ये जो है ना ये गेमिंग का टोकन है बेसिकली, और गेमिंग के साथ साथ अब इसमें Layer 1 भी आ गया दोस्तों, इसलिए इस कॉइन को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कॉइन अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, आप देखेंगे कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये आने वाले इस बुल रन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको होल्ड करके रखें। और अभी प्राइस जो चल रहा है बहुत ही चीप प्राइस है, ये समझ लीजिए इसके जो मार्केट कैप बता देता हूँ, 77 मिलियन की मार्केट कैप है, वॉल्यूम देख सकते 14 मिलियन का वॉल्यूम है डॉलर में, सर्कुलेशन में आप देख सकते 1.1 बिलियन के अराउंड टोकन सर्कुलेशन में है सप्लाई, यानी 49.74% है, और टोटल सप्लाई जो है उसकी ये 1.2 बिलियन टोकन की है, मैक्स जो रहेगी इसकी 2.4 बिलियन की रहेगी, ठीक है। ये बेसिकली इथेरियम में है, और इसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली क्या है ये टोकन, हम देखते हैं समझते हैं। गाइस वैनर चेन की मैं बात करूं, वैनर चेन जो है द ब्लॉक चेन फॉर एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से ब्लॉक चेन बनी है, ठीक है। ये
इनका अभी ये स्वैप हो रहा है यहाँ पे, जो जो लोग स्वैप नहीं किए इसमें स्वैप कर सकते हैं, अपने टीवी के टोकन को बैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखो बैनर के बैनर, वेब थ्री फॉर बिलियंस ऑफ एंटरटेनमेंट कंज्यूमर, द जीरो पीस लाइटिंग फास्ट चेन विथ मेन स्ट्रीम अडॉप्शन ऑन इट्स डीएनए, ठीक है ये यहाँ पे बताया है। अभी आप देखो बैनर का, इनका वेबसाइट देखो गाइस क्या क्लास मतलब बनी हुई, अनलॉक द न्यू इकोनॉमिक्स स्केल योर गेम इनटू वेब थ्री, वेब थ्री के अंदर भी गेम है इसके अंदर। तो इसका इकोसिस्टम क्या, देखिए बैनर का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है आप देखो इस टाइप के गेम्स वगैरह इसमें है। हालांकि अभी इन्होंने बहुत ज्यादा गेम्स का नाम का खुलासा नहीं किया, पर आप देखो इस टाइप के इसमें गेम्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। अभी देखो टीवी के टू बैनरी टोकन स्वैप हुआ है, इसकी डिटेल रिवील की गई है यहाँ पे। अब ये बेसिकली क्या है, वर्चुआ के नाम से था पहले टीवी के नाम से, और ये अब हुआ है बैनरी यानी कि बैनर के चेन के नाम से ये बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि, अब आप बोलेंगे सर आप इस कॉइन को क्यों बता रहे हैं, देखिए भाई देखिए अपना अपना चीजें है, मेरा ये अपना रिसर्च है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लग रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया है, आपको याद होगा गिफ्टो टोकन मैंने बताया था जिसकी रिब्रांडिंग हुई थी और उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए आपको याद है कि गिफ्टो की रिब्रांडिंग हुई थी 6 से 7 महीना पहले और हमने करवाया था, आप लोगों को सबको दिलवाया था, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसमें आप लोगों ने अर्निंग किया और सक्सेसफुल रही रिब्रांडिंग, उसमें 5x से प्लस हमको रिटर्न मिला, उसके अंदर 5 गुना हमको रिटर्न मिला, हमको 10x तक का रिटर्न उसके अंदर मिला, 5 to 7x तक का हमको उसमें रिटर्न किया, मे भी उससे ज्यादा हमको मिला गिफ्टों में। तो उसी को देखते हुए हम मैंने फिर रिब्रांडिंग में पार्टिसिपेट किया। रिब्रांडिंग में दोस्तों मैं इसलिए पार्टिसिपेट किया, और आप लोग बोलेंगे सर रिब्रांडिंग के बारे में हमको क्यों नहीं बताया, तो भाई देखो मैंने इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि बहुत कम टाइम था, मेरे पास भी टाइम नहीं था और मैं एकदम बस जैसी इसका टाइम खत्म होने वाला था उसके 15-20 मिनट पहले, उसके 1 घंटा पहले मैंने इसको परचेज किया, इसको आधी घंटा पहले ही मैंने परचेज किया, और फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको वीडियो बनाऊं या वो करूं क्योंकि मैं उसी में लगा रहा। तो लेकिन दोस्तों अभी ये मैं आपको बोलू वही प्राइस के आसपास है, उससे थोड़ा सा ऊपर है ये बस। ये अभी अच्छा मौका है क्योंकि वो जो प्राइस पे मैंने बाय किया था उसके उससे थोड़ा सा ये ऊपर है, 10-20% ऊपर है, आप इसको चाहे तो ले सकते हैं। मैं इसको होल्ड रखा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके अच्छा देगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई देखो थोड़ा सा रिस्क इसमें भी है क्योंकि अभी मेननेट का इसका खुलासा नहीं हुआ, मेननेट नहीं आया इसके अंदर, और मेननेट जो है वो आने वाला है जल्दी, यानी कि क्वार्टर फोर 2023 का इन्होंने बताया था मेननेट आने का, लेकिन अभी ये जनवरी या उसके आसपास 2024 में आएगा, और जैसी इसका डिक्लेरेशन होगा कि ये किस टाइप की लेयर चेन है तभी राइट इंफॉर्मेशन हमको मालूम पड़ेगी, क्योंकि लेयर वन जो है वो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएट, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखना जरूरी होता है। तो जब ये अनाउंसमेंट होगी और जब ये आएगा मैंने तभी हमको समझ में आएगा कि ये आगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन अगर आता है और सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं लेयर वन के, तो ये बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकता है यहाँ से, इतना मैं आपको बोलूंगा। तो अभी आप देखो इसका रेट काफी कम है, और ये जो ऑल टाइम हाई गया है वो मार्च 15, 2021 3 साल पहले $1.22 तक का ये हाई जा चुका है, और अगर ये इसका मेननेट सक्सेसफुल होता है और सब कुछ अच्छा रहता है तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमको दिख सकता है ये कुछ 1-2 साल के, ये इस बुल सीजन में हमको इससे ऊपर जाते हुए देख सकता है। तो आप सोचो कितना रिटर्न हो गया यहाँ पे, और ये देखो अभी स्टेबल है, पूरा होल्ड चल रहा है ना। तो दोस्तों ये एक रीजन है वन ऑफ द मोस्ट, और ये वी आर कलेक्टेबल NFT मेटावर्स है। तो अभी मार्केट कैप भी 77 मिलियन की मार्केट कैप है, और मे बी 1 बिलियन की मार्केट कैप हो सकती है, प्लस उससे ज्यादा हो सकती है अगर इसका मेननेट सक्सेसफुल होता है और लेयर वन की ये जबरदस्त सॉल्यूशन अगर ये लोग प्रोवाइड करते हैं तो फिर काफी इसमें हो सकता है, ठीक है। अभी देखो गेमिंग टोकन वैनरी पंप्स 35% ड्यू टू मेजर न्यूज बाई
दोस्तों मैं अभी आपको बोलूं तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो 0.065 से एंट्री ली जा सकती है, यहां से अच्छा मौका है अभी। और ये 0.12 सेंट से 15 सेंट तक जा सकता है, आप जाएगा तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। और कुछ थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो होल्ड करके रखिए, रिस्क ले सकते हो तो ही होल्ड करें, ठीक है। और बस इतना मैं आपको बोलूंगा, बाकी कुछ अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है, देख लीजिए आप। ये कॉइन है, मैंने रखा है इसको, मैंने लिया है पर्सनली खुद, और अभी इसकी पार्टनरशिप होने वाली है जिसका खुलासा ये लोग 30 दिन तक की, अभी आने वाले 30 दिन के लिए इनके पास बहुत सारी न्यूज है जिसकी वजह से काफी हाइप हो सकता है, काफी बढ़ सकता है। और वन ऑफ द रीजन मैं बताऊं कि इनके पास सब पार्टनरशिप्स है बहुत सारी, जो जिसका खुलासा है लोग धीरे धीरे करके करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेयर वन इस बुल सीजन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और लेयर वन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम बिटकॉइन को देखते हैं तो आप सोच सकते हो कि इसकी क्या अहमियत है लेयर वन की। लेयर वन बहुत बड़ा बूम करेगा इस आने वाले बुल सीजन में। दोस्तों वैनरी के पीछे में मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हैं इसके पीछे में। और कॉर्पोरेट अडॉप्टर में मैं बात करूं तो गूगल क्लाउड है, एमिरेट्स डिजिटल वैलेट है, ठीक है, जो इस वॉलेट को जो ओन करते हैं, जो ऑनर हैं, वो 15 प्राइमरी बैंक हैं जो मिडिल ईस्ट से हैं, ठीक है, जिनके 13 मिलियन प्लस कस्टमर है जिनके पास में। तो वैनर को मेन स्ट्रीम स्पीड और सिक्योरिटी और इफिशियंसी के लिए ये लोग अडॉप्ट करेंगे ऐसा ईडब्ल्यूडी। तो ईडब्ल्यूडी विल बी अडॉप्ट वैनर फॉर मेन स्ट्रीम स्पीड सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि वैनर जो है वो गूगल क्लाउड के साथ काम करेगा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, बिलियंस ऑफ कस्टमर के लिए ग्लोबली। वैनर जो है वो गूगल क्लाउड के साथ पार्टनर बना है कार्बन न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द मासेस। और ये देखिए अभी सिर्फ ये दो ओपन हुआ है, ठीक है, और ये अभी सब ओपन होना बाकी है यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे कॉर्पोरेट अडॉप्टर्स, और यहाँ पे ओपन होना बाकी है, खुलासा होना बाकी है बहुत सारी चीज का। अगर यहाँ पे होता है तो ये जबरदस्त जा सकता है दोस्तों, अभी आपको मैं बताऊं तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये काफी अच्छा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप 12 सेंट 15 सेंट में बुक कर सकते हैं प्रॉफिट डबल, जस्ट यहाँ से डबल हो जाएगा तो काफी होता है, और उसके बाद 3x 4x भी हो सकता है इजी। बस डिपेंड करता है ये कैसा इसका मेननेट की लॉन्चिंग कैसे होती है, तभी इसको मालूम पड़ेगा, और आगे हमको इसमें कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, ये है आप लोगों के लिए वैनर चेन, जो भी करें आप अपने रिस्क पे करें, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट 100% रिस्की। डू योर ओन रिसर्च, ऑलवेज इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड।